हमारे आज के मेहमान एक ऐसे प्रख्यात कवि और विचारक हैं जो हमेशा ये कोशिश करते हैं जो कि अंदर है उसे बाहर निकाला जाए। उनकी भाषा में नए आयाम हैं और उनकी दुनिया में एक नया नज़रिया है। हमें बेहद खुशी है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री लीलाधर जगूड़ी जी। नमस्कार जी, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अंदर जो छुपा है उसे बाहर निकालने का ये जो प्रयास है वो क्या है? अंदर का निर्माण बाहर की शक्तियां करती हैं। बहुत सुंदर। अंदर की शक्तियों से बाहर का निर्माण बाद में होता है, प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में। जो असल अंदर है वो बाहर की खुराक पर जीवित है, तो इसलिए अंदर क्या होता है और बाहर क्या होता है ये द्वंद्व तो पूरे जीवन का एक दर्शन भी है और बहुत लंबा चौड़ा विषय है ये। आज के इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मनुष्य का अंतर्मन है उसको, उसके निर्माण में बाहरी संसार का बहुत बड़ा हाथ है। ये एक नया नजरिया है दुनिया को देखने का। धन्यवाद। और जो ये दुनिया को समझने का, उसको महसूस करने का जो आपका सफर रहा है वो बहुत ही अद्भुत रहा है। अगर आप भारतीय औसत परिवार में पैदा हों जी, तो शायद बहुत सारे बच्चों को ये करना पड़ता है जो मुझे करना पड़ा। मुझे कोई अपने आप में अजूबा नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता कि मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूँ, हज़ारों लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत ही विपन्नता में, बहुत गरीबी में, बहुत साधनहीन परिवारों में जन्म लिया है और फिर अचानक उनके जीवन में एक लंबी तपस्या के बाद या लंबे सफ़र के बाद या लंबे अध्ययन के बाद या लंबे अनुभव के बाद एक ऐसा परिवर्तन आता है जिसको थोड़ा बहुत चिन्हित किया जा सकता है कि हाँ भाई, आपने भी कुछ किया। जो आपका ये सफ़र शुरू हुआ गढ़वाल में हुआ, आपका बचपन कैसा था? बचपन की दो कोटियाँ होती हैं और बचपन की दो कोटियाँ में एक मायने में तो ये कि बचपन ऐसा होता है कि आपका अपनी माँ के गोद में गुजर जाए, किसी का होता है कि बहुत सुख सुविधा संपन्नता में गुजर जाए और किसी का ये होता है कि माँ होते, मान लीजिए मैं, मेरी बात अगर आप कर रही हैं तो 5 वर्ष का मैं था तो मेरी माँ का निधन हो गया। तो एक बहुत बड़ी जो पूंजी होती है मनुष्य के विकास की और मनुष्य की स्मृतियों की, मनुष्य की जो संतुष्टि की, वो माँ से शुरू होती है। तो उसी से हम 5 वर्ष में वंचित हो गए, तो 5 वर्ष से ही संघर्षमय जीवन शुरू हो गया। और फिर पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि हम पहाड़ी किसान हैं, जमीनें बहुत थी, बाग बगीचे थे, लेकिन किसानी नहीं आती थी हमारे लोगों को। अच्छा। नई पौध, नई नस्ल की सेब हम नहीं उगा सके, यह हमने 1947 आज़ादी के बाद उगाए क्योंकि तब हमारे नर्सरी भी नहीं थी। तब वहाँ की सॉइल के अनुसार जो बीज चाहिए वो नहीं था, ये तो आज़ादी के बाद प्राप्त हुआ, आज़ादी के भी बहुत बाद प्राप्त हुआ, तत्काल प्राप्त नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि पारिवारिक स्थिति को सुधारने के लिए जो प्रयास हम लोग कर सकते थे वो भी बहुत सीमित परिदृश्य में ही रहे। क्योंकि हम गढ़वाल की गांव की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि बीज उपलब्ध नहीं थे, उसी तरह जो एजुकेशन या शिक्षा के बीज हैं वो किस तरह के थे आपके लिए? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि शिक्षा के बीज का जो सवाल है वो भी दुर्लभ बीजों में ही था। और चूंकि देखे, भारतवर्ष 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन मैं जिस रियासत का रहने वाला हूँ उसे टेहरी गढ़वाल रियासत कहते हैं और वो रियासत 1949 में आज़ाद हुई। अच्छा। तो 1949 तक हम भारत में नहीं थे। अच्छा। हम भारत से बाहर थे, 1949 में हम भारत में शामिल हुए, भारत यूनियन में, मैंने भारतवर्ष में तो थे ही पर भारत यूनियन जो बनी, भारत यूनियन में हम बाद में शामिल हुए। तो कहने का अभिप्राय, जिस तरह मैंने बचपन में ही पहाड़ से, मैं लगभग 11 वर्ष की उम्र में भाग गया। अच्छा। तो एक भगोड़ा आदमी जैसा होता है कि अपना ठीक है, कहीं घूम रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो उसके कोई सुनिश्चित जीवन नहीं होता, ना सुनिश्चित भाग्य होता है, ना सुनिश्चित उसके कोई मार्गदर्शक होते हैं। उसको अपने से ही मार्गदर्शन लेना है, अपनी फजीहत स्वयं करनी है। तो जो फजीहत हम अपनी कर सकते थे वो हमने की। लेकिन आप भाग क्यों गए? संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा कि कई पारिवारिक ऐसी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा और मैं भागा। तो दिल्ली आया, दिल्ली से तुरंत राजस्थान चला गया, फिर राजस्थान के गाँव में रहा और राजस्थान के गाँव में सबसे बड़ी भारी जो मुझे अच्छाई लगी वो ये लगी कि
जो वहाँ के सेठ लोग हैं, मारवाड़ी सेठ जिन्हें कहते हैं, उन्होंने अपने गांवों में बहुत बढ़िया संस्कृत के स्कूल खोले हुए हैं। और अगर वो ना होते तो हमारे जैसे आदमी तो पढ़ ही नहीं पाते, उसमें मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है। तो संस्कृत पढ़ के, संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ के हम आगे बढ़े और फिर प्राइवेटली और भी परीक्षाएं दी, और हिंदी साहित्य से एमए भी किया बाद में, और अध्यापक भी रहे, और जैसा कि आपने कहा आर्मी में भी गए, आर्मी से भी वापस आए। आर्मी से वापस आने की एक अलग कहानी है। बी के कृष्ण मेनन साहब उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे। आर्मी से कोई छूटता नहीं, एक बार जब चला जाता है तो वो तो सच्चा सिपाही बनने के लिए ही जाता है। मैं भी सच्चा सिपाही बनने के लिए गया था, पर मैंने उसमें थोड़ा सा उनको एक पत्र लिख दिया, बैरंग पत्र, जिस पर मेरा कोर्ट मार्शल होते होते बचा। और ये उनकी बड़ी अनुकंपा थी, जिन्होंने मुझे कोर्ट मार्शल नहीं किया। मेरा ये कहा कि ठीक है, अभी कम उम्र है तो इसको माफ़ किया जाता है और इसको छोड़ दिया जाए जब ये छूटना चाहता है। तो ये मेरे मन में था कि मुझे भाग के नहीं जाना है, मुझे मुझे कायदे से जाना है, मतलब मुझे मुक्त होकर जाना है। क्योंकि फिर अगर आप भाग के कहीं जाते हैं, सिवाय अपने घर भाग से भागने के, तो फिर आप कहीं ना कहीं पकड़ लिए जाएंगे। तो इसलिए मैंने फिर आर्मी से मुक्ति मिली, और उसमें मैंने कारण भी ये दिया था, एक वो जैसा भी था, कमज़ोर या असली या नकली जो भी कारण था, सत्य अर्ध सत्य जो भी था उसका, वो ये था कि मैं शायद साहित्य में रह के भाषा देश की मैं बड़ी सेवा कर सकता हूँ। तो पता नहीं देश की सेवा साहित्य करता है कि नहीं करता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा मैं समझता था। और मुझे अगर आप आर्मी से मुक्त कर देंगे तो मैं साहित्य में की सेवा करके देश का अच्छा सेवक बन सकता हूँ। ये मेरा उसमें मोटिव था, उस पत्र का जो सारांश था वो ये था। इंटरेस्टिंग और इनोसेंट मोटिव था कि साहित्य के जरिए आप देश की सेवा करना चाहते थे। साहित्य की सेवा करने का जो एक रिवाज या एक एक संकल्प जो मनुष्य के मन में रहता है, असल में वो सेवा नहीं हो पाती है, बल्कि निर्माण होता है साहित्य का। सेवा नहीं कर सकते आप साहित्य की, सेवा तो उसकी होती है जो एक बनी बनाई चीज़ है, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। बिल्कुल तो मैंने शायद थोड़ा बहुत अध्ययन किया है और थोड़ा बहुत उसके पुनर्निर्माण में मैं अपना योग देना चाहता आप अक्सर था। कहते हैं कि आप बात करते हैं कि आपकी जो कविता है वो असल में समकालीन इतिहास है। हाँ, अपने समय का इतिहास है, जो अपने समय को इतिहास में प्रवेश दिलाने की चेष्टा, वो इतिहास नहीं है बल्कि उसको इतिहास का हिस्सा बनाने की चेष्टा, कि किस तरह से वर्तमान समय एक बहुत लंबे समय का ही सिलसिला है, पर उसका अपना क्या इतिहास है, और अपने इतिहास को वो अपने समय में कैसे दर्ज कर रहा है, उस समय को फिर आप इतिहास में कैसे दाखिल करेंगे। ये एक थोड़ा सा टेक्निकल संघर्ष भी हो सकता है साहित्य को सोचने और रचने का, पर ऐसा हो पाया है कि नहीं हो पाया है ये तो शायद कालांतर में ही इस पर विचार होगा। वापस चलते हैं उस वक्त पर जब आपने अपना पहला कविता संग्रह प्रकाशित किया था 64 में। जी, वो क्या दौर था एंड व्हाट ब्रॉट यू टू राइटिंग पोएट्री? मैं राजस्थान छोड़ के बनारस आ चुका था, और बनारस में मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की चेष्टा की। और जैसे कि आप जानती हैं, फीस उस ज़माने में भी कम थी कॉलेजों के, ऐसा नहीं कि आज ही बढ़ी है फीस, उस समय भी वो भारी लगती थी। और उस ज़माने में जब मैं लिख रहा था कुछ, तो सुनाता भी था वहाँ 62 की लड़ाई हुई, 62 की चीन के साथ जो युद्ध हुआ, उसके विरुद्ध सारे कवि ऐसे जुट गए थे, जैसे मालूम पड़ता है कि फौज तो क्या जीतेगी, कवि जीतेंगे शायद सीमा पर, और चीन को हरा देंगे, और ऐसी ऐसी बड़ी विशाल विराट आशय वाली कविताएं आने लगी, जिनमें मेरा भी कुछ थोड़ा बहुत योगदान रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे समय में, और तो हमने कुछ नहीं किया, पर कुछ दोस्त, कुछ मित्र, कुछ परिचित प्रशंसक प्राप्त किए, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि भाई आप तो बड़े अच्छी कविताएं लिखते हैं, मैं आपकी किताब निकालना चाहता हूँ। को ढूंढे नहीं मिलता है किताब निकालने वाला, और कविता के तो आज लोग भी आज भी कहते हैं कि पाठक नहीं है कविता के। तो खैर, किस तरह वो 64 में उस व्यक्ति ने साहस किया और मेरी कविताओं का संग्रह निकाला, उसका नाम है शंखमुखी शिखरों पर। तो मेरे अपने पहाड़ की यादें हैं, घरों मोह की यादें हैं, नॉस्टैल्जिया जिसे आप कह सकती हैं, उनमें से कोई कविता याद है? पहाड़ भीतर का जो पहाड़ है, तो उसको लेके कुछ पंक्तियां हैं कि दूर तक
दूर तक फैली हुई हैं पर्वतों की श्रृंखलाएं, दूर तक फैली हुई हैं पर्वतों की श्रृंखलाएं, फरफराती हैं उनीले श्वेत मेघों की ध्वजाएं। अब इसमें आप उनीले शब्द पे ध्यान दीजिए, लोग इसको नीला अर्थ समझते हैं, नीला नहीं, उनीला ऊन से बना हुआ। अच्छा। फरफराते हैं उनीले श्वेत मेघों की ध्वजाएं, सफेद ऊन के बने हुए बादलों के बने हुए जो झंडे हैं वो लहरा रहे हैं। दूर तक फैली हुई हैं पर्वतों की श्रृंखलाएं, फरफराते हैं उनीले श्वेत मेघों की ध्वजाएं, बज रहा है निर्झरों में समय शंखों के स्वरों सा। बहुत सुंदर। बज रहा है निर्झरों में समय शंखों के स्वरों सा, लग रहा है गांव मुझको देवताओं के घरों सा, किन्नरों के साथ। किन्नर का वो अर्थ नहीं है जो अर्थ आजकल लिया जाता है, किन्नर का जो प्राचीन अर्थ है, किन्नरों के साथ खेतों में खड़ी हैं अप्सराएं, दूर तक फैली हुई हैं पर्वतों की श्रृंखलाएं। ये 24वें वर्ष की कविता भी है, बल्कि 20वें वर्ष की, और तब मैं 20-22 वर्ष का था जब ये कविता लिखी थी। जो आपके एंथोलॉजीज हैं उसमें प्रकृति से आप बहुत जुड़े हुए हैं। हाँ, यूं कह सकते हैं कि मैं प्रकृति की पॉलिटिक्स का शिकार रहा हूँ। अच्छा। तो प्रकृति भी एक पॉलिटिक्स करती है, केवल मनुष्य समाज ही पॉलिटिक्स नहीं करता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दो बार नदी ने हमें तबाह किया जी। तो दो बार नदी ने हमें तबाह किया क्योंकि हमारे सारे शहर अधिकांशतः नदियों के किनारे बसे हुए हैं, और अब जो भी आदमी गांव से आना चाहता है और शहर आना चाहता है, शहर कहां बसे हुए हैं कि नदी के किनारे, और नदियों के दिमाग नहीं होता, पानी के दिमाग नहीं होता, और पानी के दिमाग को अगर हम अप्लाई करें सामाजिक दिमाग की तरह, तो फिर ये बड़ी पॉलिटिक्स हुई कि पानी आया और उसने लोगों को बहा दिया और घर बार नष्ट कर दिए, खेत डुबो दिए, पशु मार दिए, मनुष्य बह गए, पुल तोड़ दिए। मैं इतना विध्वंसक कार्रवाई प्रकृति करती है, तो ये उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, उसको शायद हम नहीं समझते, पर है ये भी एक पॉलिटिक्स ही मैं समझता हूँ। पॉलिटिक्स होती क्या है? पॉलिटिक्स यही होती है ना कि आप मुझे प्रभावित करते हैं, मैं आपको प्रभावित करता हूँ, ये भी एक पॉलिटिक्स है। तो प्रकृति करती है ना प्रभावित हमें, और प्रतिक्रिया में हम प्रकृति को प्रभावित करते हैं और फिर उसका चेहरा भी बिगाड़ देते हैं, या उसको हम अपने अनुकूल ढाल लेते हैं। और आज जो सारा संघर्ष है दुनिया में वो प्रकृति को जीतने का है। दिस इन फैक्ट इज द अदर एस्पेक्ट अबाउट योर पोएट्री विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि आप बहुत सी जो डार्क साइड है, चाहे वो प्रकृति की हो चाहे इंसान की हो, दिखाते हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव। यू आर नॉट अ पेसिमिस्ट एट ऑल। निराशाएं बहुत संचालित करती हैं, और संचालित करने का जो सबसे बड़ा कारक मैं अपने लिए महसूस करता हूँ वो महसूस करता हूँ अनिश्चितता को। अच्छा। सर्टेनिटी के साथ मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बहुत ही अनसर्टेन रहा हूँ। अच्छा। और अनसर्टेनिटी जो है आपको संचालित करती है। जब आप अनसर्टेन होते हैं तो आप चिंतित होते हैं, जब आप चिंतित होते हैं तो आप कुछ सर्टेन होना चाहते हैं, और सर्टेन आप कभी नहीं हो सकते। और जहां भी आप सुनिश्चित होने की कोशिश करते हैं, एक दिन आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो निश्चय गलत था और निश्चय दूसरा होना चाहिए था, पर उस दिन का निश्चय तो वही था। तो जब आप निश्चित होने की प्रक्रिया को मूल्य मानने लगे और अनिश्चय को घटिया मानने लगे, यहीं से शायद मनुष्य के द्वंद्व की शुरुआत है, उसके संघर्ष की शुरुआत है, और यही उसकी क्रिएटिविटी की भी तो शुरुआत है। उसको संचालित यही चीजें करती हैं। क्योंकि आप ही ने कहीं लिखा है कि शायद मोड़ है कविता जिसमें नहीं, मोड़ भी है, और मेरी किताब का नाम ही है भय भी शक्ति देता है। भय भी शक्ति देता है की जगह अगर मैं कहता कि भय ही शक्ति देता है तो शायद अनर्थ हो जाता, पर मैं कह रहा हूं कि ही और भी में मैं भी वादी ज्यादा हूं, ही वादी कम हूं। ही वादी में थोड़ा लगता है कि आप फैसला दे रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, लेकिन भी में थोड़ी सी एक जिज्ञासा, एक अनिश्चय, एक संदेह बना रहता है। वही बात मोड़ में है ना, कि अगर सीधी सपाट सड़क हो तो इंसान, मुझे अच्छे लगते हैं मोड़, जिंदगी में हो चाहे पेड़ों में, जिंदगी में हो या वृक्ष में या सड़क पर, मुझे अच्छे लगते हैं मोड़।
ये बहुत सुंदर कविता है, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, और यही मोड़ है हमारे इस प्रोग्राम में। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद तुरंत लौटते हैं। वी बी राइट बैक। वेलकम बैक। हमारे आज के मेहमान हैं प्रख्यात कवि और विचारक श्री लीलाधर जगुड़ी जी। हम आपसे बातचीत कर रहे थे कविताओं में जो बिंब उभर कर आते हैं, जो जीवन है, जीवन का जो संघर्ष है, उसके बारे में आपने बहुत लिखा है। और आपकी ही एक कविता की पंक्ति है कि मैं दौड़ रहा हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे धरती का बस्ता मेरी पीठ पर है। एक पुरानी उक्ति है कि वही मनुष्य आगे बढ़ते हैं, वही मनुष्य कुछ कर सकते हैं जो जीवन भर अपने को विद्यार्थी समझें, जो जीवन भर अपने को सीखने वाला समझें। और वही मनुष्य जल्दी से जल्दी नष्ट होने के उपाय करता है जब वो दुनिया को सिखाने चलता है। अच्छा। तो सिखाना सिखाने से अच्छा है कि वो सीखने चले, और सीखने से अच्छा है कि खुद सीखने चले। ये दूसरों को सीखने देने की सीख देने से अच्छा है कि खुद सीखने चले। और पाणिनि हमारे यहाँ एक भाषाविद हुए हैं, ग्रामरिस्ट हुए हैं, उन्होंने अष्टाध्यायी किताब लिखी है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष की ग्रामर को, भाषाओं के ग्रामर के पैटर्न को, पूरी दुनिया में उनको उदाहरण माना जाता है कि बिना लेबोरेटरी के और बिना किसी अनुसंधान के भाषा पर इतना बड़ा काम करना जितना कि आज यूनिवर्सिटियां नहीं कर सकती, एक व्यक्ति ने किया। तो उनका एक वाक्य है, उनका वाक्य है कि स्वाध्यायस्तपः, तप की परिभाषा की है उन्होंने अष्टाध्यायी में। तो अगर आज का कोई जोगी होता, कुछ दुकानदार टाइप का आदमी होता, तो वो कहता कि देखिए साहब, योग तप है या फलां चीज तप है। उन्होंने कहा स्वाध्यायस्तपः, स्वाध्याय अपने आप अध्ययन करना, अपने आप सीखना, यह सबसे बड़ी तपस्या है। तो इस तपस्या को कितने लोग स्वीकार करते हैं? डिग्री तो ले लेते हैं, सर्टिफिकेट मेरे पास भी बहुत हैं, बहुतों के पास बहुत हैं, और कुछ लोगों के पास तो इतने हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी डिग्रियां उनके पास हैं। लेकिन उन्होंने क्या कमाया? उन्होंने उस ज्ञान से साक्षात्कार करके अपने आप क्या सीखा उन्होंने? तो अपना जो शिक्षण है, स्वयं शिक्षण, उसी का नाम स्वाध्याय है। तो स्वाध्यायस्तपः उन्होंने कहा, स्वाध्याय ही तप है। तो मैं इसको सिद्धांत वाक्य मानता हूँ अपना। तो ये जो दृष्टिकोण है हमारा, शायद इन्हीं के बीच में से मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपनी तपस्या से या अपने अपने सोच से कोई रास्ता निकालने का, अपनी कविता के लिए एक रास्ता निकालने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैंने ये 1960 के आसपास ही धूमिल मेरे साथ थे और बहुत सारे मित्र हमारे जो उसके बाद आए साहित्य में, और उससे पहले राजकमल चौधरी थे, उनके साथ भी हम रहे हैं। एलन गिन्सबर्ग आए थे, उनके साथ भी रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि मुझे ये लगता है कि जो रचना का रास्ता है, ये रचना का रास्ता सारी चीज़ों में फंसने का रास्ता है। बचने का यहाँ कोई उपाय नहीं है, और बचता तब है मनुष्य जब वो रचता है उस पढ़े लिखे से अलग होके। तो जो पढ़ा लिखा है उसको यू हैव टू अनलर्न इन अ सेंस। हाँ, मतलब उसको उसको माफ कर दीजिए, उसको भूल जाइए, या उसको ये कह के आप अपने जहन में रखिए कि इतना तो लोगों ने जान लिया है। आपके वजूद को बनाए रखने में सहायक होता है। आज तो बाजार के बिना वजूद बन ही नहीं रहे लोग। हाँ, पर उसमें पॉपुलैरिटी में कभी खो जाता है। बिल्कुल खो जाता है, और बाजार हांक रहा है। तो आप कितने बच सकते हैं, आप कितने आप अपने को अलग रख सकते हैं? Does that disappoint you somewhere? नहीं, disappoint भी करता है, लेकिन एक ताकत भी देता है। ताकत इस मायने में देता है कि फिर भी हम सरवाइव करेंगे। और उससे उससे लोहा लेते हुए और या उसके साथ कदम ताल करते हुए हम भी अपना कोई सफर तय करेंगे और अपना कुछ करेंगे, अलग से कुछ निर्माण करेंगे। तो ये एक भाव तो जागता है, पर ये नहीं है कि अब हम ये कहें कि नहीं, बाजार तुम तो बस बिल्कुल शत्रु बता गए हो और बाजार तुमने तो सब कुछ नष्ट कर दिया है। तो भाई, आप अगर बाजार से ही नष्ट हो रहे हो तो बाजार ज्यादा शक्तिशाली है। तो आप या तो अपने भीतर इतनी शक्ति उत्पन्न करें कि बाजार को नष्ट कर दें, तो बाजार तो नष्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो तमाम आत्माओं के सहयोग से बना है। उसमें कुछ दुष्ट आत्माएं भी हैं, कुछ अच्छी आत्माएं भी हैं, और सब तरह की आत्माएं सक्रिय हैं।
तो अब आत्माओं को अपना रास्ता बनाना है, वो बाजार के साथ बनाना है, बाजार के बगल से बनाना है, बाजार के रहते हुए बनाना है, या बाजार को कहते हुए बनाना है। तो साहित्यकार तो कुछ ना कुछ तो एक रास्ता निकालेगा ही, वो निकाल ही लेता है शायद। और साहित्यकार अपनी अपना जो नजरिया रखता है वो भी अलग हो तो उसमें मजा वो है। होना बहुत आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है कि लेखक तो हो चुके हैं, हाँ तो फिर नए लेखक होने की क्या जरूरत है? तो नए लेखक होने की आवश्यकता इसलिए है कि बाजार भी नया है, समस्याएं भी नई हैं, और जीवन भी नया है, तो चुनौतियां भी नई हैं। तो ये सब कुछ इतना नया है, उसमें सिर्फ लेखक ही पुराना क्यों रहे? वो भी कुछ अपना लेके आए। भाषा ही देखिए आप, भाषा कितने स्तरों पर यात्रा कर रही है। आज वो क्लासिकल लैंग्वेज सुनने को नहीं मिलती, आज आम फहम सड़क छाप भाषा सुनने को मिलती है, और वही सड़क छाप भाषा जीवन की भाषा, उसमें धड़कन है जीवन की। अब ये कहें कि बस ये तो सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड ही स्टैंडर्ड हो गया है, तो जो सब स्टैंडर्ड था वो उसने स्टैंडर्ड की जगह ले ली है, तो आप कहां से अपना नया स्टैंडर्ड लाएंगे? वहीं ना स्टैंड करेंगे उसी तो जगह आपकी पर। कविता में भी भाषा बदली है इस तरह से? बिल्कुल, मैं तो बहुत ही सड़क छाप भाषा और चलती पुर्जी भाषा का अपने को मानता हूं कि उसी से काम लेना है, वरना अगर कालिदास की भाषा लाएंगे और तुलसीदास की लाएंगे तो कौन सुनेगा उस भाषा को? अब जैसे चुल्लू की आत्मकथा। हाँ, चुल्लू की आत्मकथा तो ये पानी पर कविता है। तो चुल्लू की आत्मकथा लोग गंगा पर लिखते हैं कविता, मैं चुल्लू में लिखता हूँ। मैं चुल्लू पे इसलिए लिखता हूँ कि लोग चुल्लू को डूब मरने के लिए ही तलाश करते हैं, पर मैं कहता हूँ कि कभी चुल्लू को समझो भी। चुल्लू भर जो पानी है उसमें भी एक 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 उसका जीवन है, और उससे उठने वाली जो भाप है वो चुल्लू आसमान में बादल बन के, एक छोटा सा रुमाल के बराबर बादल बन के चला गया है, और तुम उसको वहां देख रहे हो, और जब उसको रुमाल जो है वो पूरे आसमान को आच्छादित कर देगा तब देख पाएंगे हम शायद उसको। और उसमें आपने कहा भी है कि उस चुल्लू में भी सूरज चांद सितारे आसमान सब सब रिफ्लेक्ट झलकता होता है। है, जी सब झलकता है। जी तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप मेरी कविता में थोड़ी बहुत मतलब चुल्लू से ज्यादा डूबी हैं, और अच्छा लग रहा है। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि उसमें सारी चीजें तो दिख रही हैं, वो जो आपके आपके कल्पनाओं की चीजें हैं, चांद तारे सितारे सूरज, और हवा भी उसमें पलटा मार रही है, पर उसका जीवन दूसरी तरह का हो गया है। उस तो उस उसके दूसरे सौंदर्य को देखना पड़ेगा, जो संभवतः हम असुंदरता की कोटि में रखना पसंद करें, लेकिन शायद कोई चीज असुंदर होती नहीं है, सारी चीजें सुंदर ही हैं, कि असौंदर्य में भी सौंदर्य है, और वही कभी कभी ढूंढ लेता। हम सौंदर्य के परिभाषाएं लिए घूमते रहते हैं, और जो प्रकृति है, जो मनुष्य जीवन है, वो उस असौंदर्य को ओढ़े हुए बैठा है, तो वहां सौंदर्य है उस असौंदर्य में। उस जिसको हम सौंदर्य मान के चल रहे हैं शायद वो सौंदर्य ना हो। तो जिस तरह से हम कविता की भाषा की परिभाषाएं बदल रहे हैं, उस तरह से सौंदर्य की भी परिभाषाएं बदल रही हैं। बिल्कुल बदलती हैं, और सौंदर्य जो है आज के जमाने में और आधुनिक जमाने में और दार्शनिकों की सोच में परिश्रम से पैदा हुआ है। अच्छा। हाँ, सौंदर्य की जो भी परिकल्पना की गई है, चारु शब्द था संस्कृत में पहले सौंदर्य के लिए, सौंदर्य शब्द नहीं था, ये सौंदर्य शब्द बहुत बाद में आया, सौंदर्य शब्द नहीं था संस्कृत में, चारु चारुता, और चारवाक भी इसी से बना है, जिनकी वाणी सुंदर हो। तो उन दार्शनिकों को लोग गाली देते हैं कि वो इतनी असुंदर बातें कहते थे कि ऋणम गृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, इन पंक्तियों की खिल्ली उड़ाते हैं कि ये तो चारवाक हो गया। चारवाक मतलब चारु वाक, सुंदर वाक्य बोलने वाले लोग, उनकी खिल्ली उड़ाई गई, इसलिए कि उनको कहा गया कि ये भौतिकवादी है। भौतिकवाद ही सच्ची सच्चाई है, और भौतिकवाद से ही आध्यात्म भी पैदा होता है, आध्यात्म से भौतिकवाद नहीं पैदा होता, भौतिकवाद से आध्यात्म पैदा होता है। तो आप भौतिकवाद में नहीं आएंगे तो सौंदर्य को नहीं पहचान पाएंगे। भौतिकवादी होना ही यथार्थवादी होना है, भौतिकवादी होना ही पदार्थवादी होना है, और जब आप यथार्थवादी हैं, पदार्थवादी हैं, तो आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं। अगर आप केवल हवा महल में रहते हैं और आध्यात्मवादी हैं, तो आप मैं समझता हूं एक नकली दुनिया में रहते हैं आप। तो ये तो देखना पड़ेगा कि हम कितने भौतिकवादी हैं। जब भौतिकवादी होंगे तो हम जड़ों से जुड़ेंगे,
पदार्थवादी होंगे तो हम पदार्थों के पास जाएंगे। संस्कृत में तो पाणिनि ने, फिर मैं पाणिनि को ही याद करूंगा कि पाणिनि ने कहा कि शब्द भी धातु से बनते हैं। अच्छा। हाँ, माने मेटल से बनते हैं, शब्दों की धातु है। जैसे आप जब संस्कृत अगर आपने पढ़ी हो थोड़ी बहुत, तो आपने देखा होगा कि भवति शब्द है वो भू धातु से बनता है। तो भू जो है पृथ्वी, उसकी धातु है, वहां से शब्द आ रहे हैं। मैंने जो काष्ट से आ रहे हैं शब्द, लोहे से आ रहे हैं शब्द, तो वो कह रहे हैं मेटल से आ रहे हैं शब्द, उनकी भी धातु है, उनका भी एक कारखाना है। जी। आप समझ रहे हैं कि हम पैदा कर रहे हैं शब्दों को, शब्दों को पदार्थ भी पैदा कर रहे हैं, हम केवल उसका उपयोग कर रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं, हम उसको एक रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये जो बात उसने कही है कि भाषा में शब्दों की भी धातु है, ये बड़ी भारी बात है, बहुत भारी बात, बहुत है। बड़ी वैज्ञानिक बात है। तो जहां जिस देश में, जिस संस्कृति में शब्दों को भी धातु से उत्पन्न किया गया हो, वो भौतिकवादी क्यों नहीं हो सकता? उसको वो तो बहुत परम भौतिक है। ईश्वर का भी जो वर्णन किया गया है वो ऐसा किया गया है जैसे किसी राजा का करते हैं, तो वो तो भौतिकवाद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मनुष्य की तरह उसका वर्णन किया गया है। भौतिकवाद से छुटकारा नहीं है, और जब भौतिकवाद आएगा तभी आधुनिकतावाद आएगा, और तभी आधुनिक कविता की समझ आएगी, तभी आधुनिक विज्ञान की समझ आएगी, आधुनिक जीवन की समझ आएगी, और आधुनिक समाज को हम तभी ठीक से समझ पाएंगे जब हमारा दृष्टिकोण भौतिकवादी होगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जब हम ये सब समझेंगे तो वो जैसे घर पहुंचने की बात है वैसी बात होगी। और आपकी ही कविता में है कि जो रास्ते हमें घर तक पहुंचा देते हैं, क्या वो वहीं खत्म हो जाते हैं? हाँ, एक रास्ते की तलाश, रास्ते पे मैंने कई कविताएं लिखी हैं, और उसमें यही है कि रास्ता जो है अपने आप में रास्ता नहीं होता, और रास्ता कभी कभी दोबारा चलना पड़ता है, पर वो जो दोबारा चलना है वो नया रास्ता होता है। बिल्कुल। और रास्ता जिस सड़क से आप चल रहे होते हैं, जिस रास्ते से आप चल रहे होते हैं, उस रास्ते के लिए आप उस रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, आपको कहीं जाना और है, आप वहां जाना चाहते हैं, रास्ता केवल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहां आप जा रहे हैं वहां से भी इसलिए जा रहे हैं आप वहां, कि वहां से आप एक रास्ता नया शुरू करेंगे और तलाश करेंगे। तो रास्ते की भी जर्नी कम दिलचस्प नहीं है, काफी अच्छी जर्नी है रास्ते की, और ये मनुष्य की वजह से हुआ है। ये बिल्कुल बहुत सुंदर बात कही आपने कि रास्ते की भी एक अपनी जर्नी है और रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते। हमारा प्रोग्राम ज़रूर ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमें यही उम्मीद है, यही हमारी दुआ है कि आपकी जो जर्नी है, आपका रास्ता कभी ख़त्म ना हो। आप हमारे प्रोग्राम में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।